हे गाइस, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत आई एम वेरी हैप्पी, इसलिए कि मेरा काम का ये लास्ट, मतलब पार्लर का जो भी काम चल रहा था वो लास्ट हो गया एंड पार्लर का काम जो है वो फिनिश हो गया। मतलब मुझे ना बोलने नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली मेरा शॉप सेट हो गई है एंड ये देखिए फ्लोर मैट का काम करवा लिया हमने। एंड जितनी भी मेरे पास पार्लर के, सॉरी शॉप के जो भी सामान थे ना, ये सारे मैंने डिस्प्ले कर दी। चूड़ियों की एक साइड मैंने डिस्प्ले की है कि सिर्फ चूड़ियाँ ही दिखे, क्योंकि लेडीज़ इसको चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एंड ये देखिए, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर ना मेरा जगह अभी खाली है, अभी बहुत सारा सामान लाना बाकी है। तो ये एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मुझे पार्लर के लिए एक फ्रिज, जो मैंने पहले से ले कर रखा था। मैंने सोचा था मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, बट मैं बना नहीं पाई। तो और मैं आपको पार्लर का दिखाती हूँ। इधर पहले मैंने एक साइड में, आपको अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हो तो आपको याद होगा, इधर साइड मैंने पार्लर किया था एंड इधर जो बैक साइड है ये मैंने कॉस्मेटिक किया था। एंड यहाँ पे सारे ब्लॉग्स डाले हैं मैंने। तो ये है दरवाज़ा जहाँ पे मैंने पीछे साइड में पार्लर किया है। पार्लर का भी मैं दिखाती हूँ। एंड और मैं क्या दिखाऊँ, ये इयररिंग्स के स्टैंड है। अभी तक मैंने इयररिंग्स डाले नहीं है क्योंकि उसके लिफाफे चाहिए मुझे। एंड मेरा गला है ना, काफ़ी टाइम से मिट्टी मिट्टी में रहना पड़ा है, तो गला तो थोड़ा बैठ गया है। मतलब फिर भी 15 दिन हो गए, 15-20 दिन गला बैठा हुआ है। तो दिखाते हैं आपको, मैं बैक साइड दिखाती हूँ पार्लर का, पार्लर का बैक साइड दिखाती हूँ कि कैसे मैंने सेटअप किया है। ये जो सबसे पहले ये है मेरा एंट्री, हमारा जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए। तो और ये है ट्रॉली, ये मैंने अभी पानी वानी पी रही थी इसलिए मैंने रखा है। तो ये हेडवाशियर जो मैंने एक कोने में रखा हुआ है। एंड ये बैनर पहले लगी हुई थी, ये देख सकते हैं, ये मैंने बाद में यहाँ पे अटैच करवा दिया। एंड ये वॉलपेपर का काम किया है एंड यहाँ पे एसी फिट किया है, तो एसी के बगल में ही स्विच वगैरह दे दिया है। ये येलो कलर का जो दिख रहा है ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मैंने उनको बोला कि आप ये वाला थोड़ा कवर करवाओ, क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं मेरे वो डर जाएंगे कि यहाँ ये बिल्ली का यहाँ पर काम हो रहा है। तो इसकी सेटिंग होगी अलग से। उसके बाद ये देखिए, ये है मेरा सेटअप। ये मैंने काउंटर भी बनाया है, पिछले बार मेरी नहीं थी क्योंकि मैंने न्यू शॉप खोली थी, तो बहुत मुश्किल से हमने सेटअप की थी। बट इस बार का जो सेटअप है, मुझे बहुत खुशी है ये बोलने में कि मैंने अपनी मेहनत से ये चीज़ बनाई है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। उनकी आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से मैंने बहुत काम किया एंड अभी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा काउंटर है एंड बहुत सारे मशीन्स थे जो मैंने ला के ना अपने सेटिंग में रख दिया था, क्योंकि जगह नहीं थी डिस्प्ले करने की। वो हेयर कटिंग के मशीन एंड हेयर स्पा की जो मशीन है, थेरेपी मशीन, एंड उधर भी थेरेपी मशीन है, फेशियल मशीन है, तो ये डिस्प्ले नहीं कर पा रही थी। मेरे क्लाइंट्स को कुछ भी पता नहीं चल रहा था और मेरे पार्लर में। और ये एक बैनर आपने देखा होगा, जो ये क्या कहते मॉडल का जो पोस्टर है, ये भी आपने देखा होगा। एंड इधर मैंने ग्रीन कलर का ग्रास दिखाया लगाया है, सॉरी, और ये नीचे में थोड़ा सा मैंने लगाया है, क्योंकि जब भी कोई एंट्री करे ना तो यहाँ पे पैर ऐसे रखे ना तो अच्छा लगे उनको। तो वहाँ पे जो है स्लीपर वगैरह उतार देते हैं, क्योंकि मेरे लिए ये जगह मंदिर से कम नहीं है। तो ये मैंने ग्रास लगाया जहाँ पे फ़ोटो शूट होगी एंड ब्राइडल्स के जो लहंगा है, ज्वेलरी है, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी एंड वीडियोस भी जो बनानी है मैं यहाँ पे बना सकती हूँ। अभी मेरे पार्लर में जो है वो मुझे पार्लर में अभी और एक चीज़ लेना है, जो है फेशियल बेड एंड स्पा की मशीन। तो ये मैं दोनों शाम को लेने जाऊँगी। तो शाम को जब मैं जाऊँगी तो उस टाइम मैं आपको लेके चलूँगी, और जब मैं लेकर आऊँगी तो मैं यहाँ पे सेट वगैरह करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी। एंड पार्लर में बैठे होते हैं ना तो कुछ ना कुछ आता रहता है, तो मुझे पानी की बोतल चाहिए थी। तो ये देखिए, तो ये शॉप जो है सब कुछ रेडी हो गई है, बट ये जो पीछे का है वो वहाँ पे मैं बनवा नहीं पाई रैक, क्योंकि जो कारपेंटर है बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे। तो मैंने बोला कि आप रहने ही दो, जो भी बनाना है आप घर के छत में बनेंगे, क्योंकि यहाँ का काम रुका हुआ है और क्लाइंट्स भी मेरे मुड़ जाते हैं।
तो वहाँ इस जो ऊपर का है रैक वो बाद में बनेगी घर पे। तो चलिए अभी चलेंगे मार्केट की तरफ, और वहाँ पे मैंने फेशियल का बेड लेना है एंड स्टीमर लेना है। तो चलिए मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी।